सुखदेव सिंह गोगा मड़ी दी शोक सभा तो हिमाचल वापस जा रहे सी जीजा साला गड्डी दे विच सवार हो के नाल इन्हां दे तीन सवारियां होर सन यानी कि एक गड्डी दे विच पांच लोग सवार सन डिवाइडर दे नाल गड्डी टकराउंदी है ते जीजे साले दी मौके ते मौत हो जांदी है। बाकी जिहड़ियां तीन सवारियां हुंदियां ने उह बुरी तरीके दे नाल जख्मी हो जांदियां ने। आले दुआले राहगीरां दे वल्लों जिहड़े लंघ रहे सी उहनां दे वल्लों पंजां नूं हस्पताल पहुंचाया गया जिथे साला ते जीजा दोनां नूं मृतक ऐलान दिता गया ते तिन्हां दा इलाज चल रहा है। तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हां पानीपत तों सामणे आ रहियां ने जिथे डिवाइडर दे नाल कार टकराई है। दरअसल सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी दे शोक सभा तों इह गड्डी हिमाचल वल वापस जा रही सी तेज़ रफ्तार होण करके डिवाइडर दे नाल टकराउंदी है। डिसबैलेंस होण तों बाद कई बार पलटियां खांदी है। कई बार पलटियां खाण तों बाद ਇਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਪੰਜੋ ਸ਼ਖਸ ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੇਵ ਭੂਮੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਸੰਗਠਨ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗੋਗਾ ਮੜੀ ਦੀ ਸ਼ੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਵੇਲੇ ऐडा वड्डा हादसा हो गया कि जीजा साला दी मौत हो गई। नमस्कार, हम लोग हिमाचल से हैं और देवभूमि क्षत्रिय संगठन स्वर्ण मोर्चा की तरफ से हम लोग जो कल पिछले कल दिल्ली में सुखदेव सिंह गोगा मड़ी जी की जो शोक सभा थी तो उसमें सम्मिलित होने के लिए हमारे संगठन के पदाधिकारी गण हम लोग आए थे। तो दिल्ली से वापस आ रहे थे तो ये हमारे कल्याण ठाकुर जो हमारे देवभूमि क्षत्रिय संगठन के शिमला के मंडल अध्यक्ष थे इनके साथ इनके जीजाजी गुमान सिंह जी इन दोनों की मृत्यु हो गई कार एक्सीडेंट में। वो यहीं पर एक्सप्रेसवे पे रात को एक्सीडेंट हुआ लगभग 10:30-11 बजे के आसपास और उसके साथ हमारे तीन लड़के और थे जिसमें एक देवेंद्र सिंह प्रतिहार और संदीप तोमर और एक कुशल सिंह। तो उन तीनों को चोटें आई हैं, गंभीर चोटें आई हैं जिनमें दो चंडीगढ़ PGI को रेफर रात को हो गए थे और एक PGI रोहतक में एडमिट है देवेंद्र प्रतिहार। हालत उनकी एक की हालत स्थिर है, दो का भी पोस्टमार्टम होना है। तो अभी हम लोग पानीपत सिविल हॉस्पिटल में हैं तो यहाँ से पोस्टमार्टम होके ये हमारे पांचों के पांचों भाई जिला सिरमौर से थे और रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र से थे। तो अभी पोस्टमार्टम के बाद हम लोग जिला सिरमौर की तरफ ले जाएंगे और आज शाम तक इन दोनों भाइयों का अंतिम संस्कार वहां पे किया जाएगा। सर, कोई पता चला है कि कैसे हुई घटना का, टाइम क्या था, कितने बजे हुई है? जी देखिए, हम लोग भी ये हमसे आगे निकल गए थे तो हम लोग पीछे रह गए थे। तो हम लोगों को भी फ़ोन आया कि ऐसे से आपके साथ लोग थे, उनका एक्सीडेंट हुआ है। तो समय लगभग 10:30 बजे का समय रहा है और जो कारण है वो किसी खंभे के साथ ऐसा सुनने में आया कि गाड़ी हिट हुई है। और क्योंकि अभी शायद वो पुलिस वालों ने गाड़ी मौके से वो ले गए हैं पुलिस थाने में तो अभी पुलिस के साथ हमको पूरी की पूरी जानकारी मिलेगी। जो और लोग हैं वो अभी बताने की स्थिति में नहीं है कि क्या हुआ कैसे हुआ क्योंकि वो बहुत ही इस समय कॉन्शियस है तो उनसे हम लोग ज़्यादा इस बारे में पूछ भी नहीं रहे हैं। जो अन्य तीन साथी हैं उनको भी हमने नहीं बताया है कि हमारे दो साथी हमारे बीच में नहीं रहे और हमारे संगठन का बहुत मजबूत ये हिस्सा थे और आज दोनों भाई हमारे बीच में नहीं है। पूरे हिमाचल प्रदेश में हमारे संगठन हमारे पार्टी के लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं और इन दोनों भाइयों को खोने का गम शायद ज़िंदगी में कभी पूरा नहीं होगा। नाम बताओ। मेरा नाम रुमित सिंह ठाकुर है और हिमाचल प्रदेश से हमारा अपना देवभूमि क्षत्रिय संगठन है, साथ में राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी है और हमारी राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के जिला शिमला के ये जिला अध्यक्ष थे कल्याण सिंह ठाकुर।